नमस्कार, कुमार रोशन, भारत न्यूज 24। और आज हमारे बीच एक ऐसे खास व्यक्ति हैं, हमारा जो अभी आज मेन मकसद जो है टॉपिक है शिक्षा पे चर्चा विद उमेश सिंह सर के साथ हम बात करेंगे कि यह पैनडेमिक सिचुएशन में समझिए कि शिक्षा बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आ गया है। शिक्षा का प्रभाव बहुत ही ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर पड़ा है, कॉलेज भी पड़ा है। आइए तो हमारे शिक्षा पे चर्चा में सबसे पहला प्रश्न है उमेश सिंह साहब से कि कोविड-19 में शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, सर हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। हाँ सर, सबसे पहले आपको थैंक्स मैं देता हूँ कि आप शिक्षा जैसे ज्वलंत मुद्दे पर कवर करने का कोशिश किए, भारत न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था एकदम चरमर हो गई है, भारत ही नहीं विश्व के अधिकांश देशों में, लेकिन बहुत सारे देश आगे हो गए हैं। आज हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन तो खैर समाप्त हो गया है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी कुछ है, ऑनलाइन कुछ है, लेकिन कुछ ही लोगों के लिए, जो समाज के धनी वर्ग के लोग हैं, जो हाई लेवल के हैं, जिनके पास सारा फैसिलिटी है, वाईफाई है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, वो कुछ पढ़ाई कर ले रहे हैं। बाकी हमारे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं। मैं बिहार की बात करना चाहता हूँ, 37% ऐसे लोग हैं जो निर्धनता रेखा से नीचे हैं, कैसी इनकी व्यवस्था हो पाएगी? तो मेरे समझ से शिक्षा व्यवस्था बहुत स्थिति खराब हो गई। सर अभी आज की डेट में सबसे ज़्यादा दिक्कत में आ गया कि यह जो कोविड-19 पैनडेमिक सिचुएशंस है, इसमें प्राइवेट स्कूल को आप सर क्या से प्रभावित हुआ, क्या दिक्कतें हुआ, हमारे चैनल के माध्यम से बताएं सर। देखिए, हमारे देश में दो तरह की शिक्षा, एक है पब्लिक सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में तो चल रहे हैं, जो भी बच्चे हैं डीडी वन के सहारे कुछ नाम आते हैं, कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं, लेकिन व्यवहार में कुछ हो ऐसा नहीं रहा, थोड़ा सा चैनल चलता है और टीचर को जो भी सैलरी है वो मिल रहा है, उनकी स्थिति ठीक है। लेकिन प्राइवेट स्कूल है, उनकी स्थिति चरमरा गई है। प्राइवेट में बहुत ऐसे स्कूल है जो बंदी के कगार पर है, बहुत स्कूल बंद है, सैकड़ों सैकड़ों स्कूल बंद हो गए और बहुत सारे बंदी के कगार पर है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी लाखों लाख जो शिक्षक थे, जिस पेशा में लगे हुए थे, स्कूल भी बंद है, कोचिंग भी बंद है, इसलिए बहुत स्थिति। और शिक्षक समाज ऐसा है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, क्या करे क्या नहीं करे, पढ़ाई करती तो कुछ जानता भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, तो बहुत गंभीर समस्या हो गई है। सर यहाँ बात आ रही है क्या कि प्राइवेट स्कूल के हित में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस पैनडेमिक सिचुएशन में कैसे अपने आप को सर्वाइव करें? सर जी हाँ, मेरा संदेश होगा इसमें सरकार का, हम जानते हैं कि लोक कल्याणकारी सरकार होती है, सरकार सबके कल्याण के बारे में सोचती है, तो शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो समवर्ती सूची में आता है, इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर अपने काम करते हैं। तो इसमें अभी इस विषम परिस्थिति में, इस गंभीर समस्या में अभी प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार को ध्यान देना होगा। इसमें जितने भी है, जितना भी है प्राइवेट स्कूल के जो टीचर है उनको भी सैलरी, मैं ये नहीं कहता हूँ कितना अमाउंट होना चाहिए, सरकार का जो बजट हो रहा है उतना कुछ जो भी टीचर हैं जो शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं, जो उनको एक सैलरी प्रोवाइड किया जाए। इसके बाद बिजली बिल जो अगर है स्कूल का, वो माफ़ी किया जाए। कुछ ऐसे स्कूल हैं जिसका EMI बहुत ज़्यादा चलता है, तो उस EMI को अभी तत्काल रोका जाए और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगा जाए, जिससे कि जान बचे। अभी जान बचाने वाला सिचुएशन है, पढ़ाई तो बहुत कोसों की दूर है, अभी जान बचाने की सिचुएशन है, जो सेकेंड फेज चल रहा है बहुत डेंजरस है, तो ऐसी स्थिति में अभी जान बचाने का है, तो सरकार को प्राइवेट स्कूल पर भी ध्यान देना होगा कि नहीं इनको भी कुछ है। सरकार आज दो रंगा नीति करती है, प्राइवेट स्कूल को तो ठीक है, प्राइवेट शिक्षा को अपना ही करती है, वहाँ सब कुछ सिस्टम चल रहा है, लेकिन लगता है कि स्वतंत्र व्यवहार कर रहे हैं सरकारी के, तो सब कुछ व्यवस्था करते हैं, लेकिन प्राइवेट के साथ बहुत सौतेला व्यवहार करते हैं। नहीं, ये प्राइवेट स्कूल वाले भी आप शिक्षा के रूप में इनका अहम रोल है, बहुत अच्छा रोल है, तो सरकार को भी चाहिए कि नहीं इनको भी कुछ हम करें। आज भी RTI के तहत जो भी विद्यालय अपने पढ़ाया उनको भी कुछ मापदंड पर उनको भी वेतन होना चाहिए। इसके बाद जो स्कूल चल रहा है, जो शिक्षा देने काम कर रहा है, उनको भी आर्थिक सहायता दिया जाए, आर्थिक पैकेज दिया जाए, जिससे उनकी स्थिति ठीक हो सके। सर आखिरी सा सवाल, सर आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, यह जो कोविड-19 का सेकेंड फेज है, इस फेज में आम जनता, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और पूरे बिहार के जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कोविड-19 का? सर बहुत बड़ा संदेश है, सबसे बड़ा संदेश है कि हम भाई बंधु जहां भी रहें भीड़ से अलग रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, काढ़ा का सेवन करें, जो हमारे यहाँ देसी दवाई है। आज तो हमारे देश में कालाबाजारी बहुत जोरों पर हो रहा है, आज ऑक्सीजन जैसा चीज़ जो कि
कालाबाजारी इसमें हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, बहुत इसकी वजह से भी जान जा रहा है, लेकिन हमारा जो घरेलू नुस्खा है इस पर हम काम करें, काढ़ा का सेवन करें, काढ़ा जो कि बहुत काम है, रामबाण है। इसके बाद फिटकरी के साथ भी हम गार्गिल करें। इसके बाद हमारा सबसे बड़ा योगा मुंगेर, हमारा बहुत इसके बारे में बिहार का जगह जो था मुंगेर, योगा पर हम ध्यान दें। योगा अगर हम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो बहुत हद से इसमें हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, हम अच्छा करेंगे। बहुत ऐसे योगा है जो हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, तो ऐसी स्थिति में अनुलोम विलोम प्राणायाम ये अगर हम लोग करें तो हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा, हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए पूरी दुनिया अभी इस गंभीर चुनौती से जूझ रहा है, तो मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि हमारे जहाँ भी भाई बंदी रहे, भीड़ से बचे, अपने घरों में रहें, और काम जो है घर से अगर हो रहा है तो घर से अपना काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और एक मेरा ही संदेश होगा कि नेगेटिव न्यूज से बचे, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाए, आत्मविश्वास लाए, क्योंकि लोग दहशत में आ गए, भय में आ गए हैं। आज अधिकांश मैं देखता हूँ, चाहे रेडियो हो, दूरदर्शन हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया है, निगेटिव न्यूज को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है, और जाहिर है कि निगेटिव न्यूज बहुत ज़्यादा फैलता है, और निगेटिव हमारा माइंड जो है, हम निगेटिव को हम अगर पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमारा माइंड उसी को ऑब्जर्व करता है और हमारे शरीर को भी उसी तरह से निगेटिव रूप में दे देता है। इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से अनुरोध करूँगा कि निगेटिव नहीं, पॉजिटिव न्यूज को दे। जो अच्छाई हो रहा है, जो हमारे भाई बंधु जंग जीत गए, सरकार के द्वारा जो कोविड का वैक्सीन दिया जा रहा है, इसमें लोगों को जागृत करें कि नहीं, अधिक से अधिक लोग डोज दें, लोगों को और प्रेरित करें कि नहीं, आप अपने से अपना बचाए स्वयं है, अगर हम लोग स्वयं बचे, अपने से बचाव करें, तो बहुत हद तक राहत मिल सकती है, और अपना बचाव ही सबसे बड़ा है। इसके बाद सरकार जो कर रही थी कि है, आज इतने बड़े देश को लेकर चलना बहुत बड़ा, और मैं थैंक्स देना चाहूँगा, बहुत सारे देश हमारे अभी साथ हैं। आज कुछ समय पहले इंडिया 80 प्लस देशों को अपना कंट्रीब्यूशन देता रहा, और आज इंडिया को बहुत सारे देशों से समर्थन मिल रहा है। मैं उन देशों को भी शुक्रिया गुजार हूँ, क्योंकि वे लोग आज इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए पूरा इंडिया, पूरे वर्ल्ड के लोगों का मेरा संदेश है कि हम लोग जहाँ भी हैं, एक दूसरे के प्रति दया भाव से देखें, एक दूसरे के साथ भाईचारा का ही करें, और जितना संभव हो हम सपोर्ट करें, और सब लोग खुशहाल रहे, सब लोग मंगलमय रहे, यही हमारी शुभकामना। हमारी खास बातचीत, खास मुलाकात अभी हुई उमेश सिंह चौहान साहब, और हमारा जो मेन मकसद था शिक्षा पे चर्चा, कि इस पेंडेमिक सिचुएशंस में शिक्षा सबसे ज्यादा दिक्कत में रहा, और प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स लोग को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा है। प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स बहुत ही ज्यादा सर्वाइव करे, एक साल से एक साल होने जा रहा है, और अभी तक बिहार सरकार कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। खबरों के साथ बने रहिए, कुमार रोशन, भारत न्यूज 24।